डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ और स्टेट लेवल पर होने वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षाएं होती है, जैसे कि झारखंड में जेट है, बिहार में बेट है और अन्य राज्यों में इसी तरह की होने वाली जो परीक्षाएं होती है, इन परीक्षाओं में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते हैं। करियर फाउंडेशन रांची झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आज पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो पिछले कई दिनों से राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थॉट पर डिस्कशन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग थॉमस हॉब्स पर बात कर रहे थे। थॉमस हॉब्स के राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत आज एक नए टॉपिक की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जो है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, या आप कहें सामाजिक संविदा का सिद्धांत। हिंदी में कई वर्ड यूज होते हैं लेकिन इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होता है। ये है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में करियर बनाने वाले सारे कैंडिडेट्स जानते हैं, ठीक है, कि सामाजिक संविदा आया कहाँ से। सच पूछा जाए तो राज्य की उत्पत्ति यानी कि द ओरिजिन थ्योरी ऑफ द स्टेट के मामले में कई दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग राज्य को दैवी शक्ति का परिणाम मानते हैं, कुछ लोग राज्य को शक्ति या संघर्ष का परिणाम मानते हैं और कहते हैं कि युद्ध स्थल में ही राज्य जन्म लेता है, कुछ लोग राज्य को समझौते या अनुबंध का परिणाम मानते हैं और कुछ लोग राज्य को विकास या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। इन्हीं में से एक जो राज्य की उत्पत्ति को समझौते या अनुबंध के दृष्टि से काल्पनिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, उनमें पहला अनुबंधवादी या आप कहें पहला सामाजिक अनुबंध का सिद्धांतकार तो वो थॉमस हॉब्स थे, ठीक है। थॉमस हॉब्स का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स पर हम लोग आज उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं, बल्कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब आप पढ़ रहे होते हैं थॉमस हॉब्स का, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो उसका भी एक टीचिंग मेथडोलॉजी इस क्लास में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग आते हैं आपका सामाजिक अनुबंध का विचार। इसमें हमने एक डिस्कशन पहले किया है, याद कीजिएगा, अब बताया है कि प्रथम अनुबंधवादी कौन है, थॉमस हॉब्स है। थॉमस हॉब्स प्रथम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट देने वाला है, और हॉब्स के बाद सामाजिक समझौते का सिद्धांत देने वाला जॉन लॉक है। कौन है, जॉन लॉक। दोनों इंग्लैंड के हैं, ठीक है, और हॉब्स के बाद जॉन लॉक है, और लॉक के बाद कौन है, लॉक के बाद ना रूसो को माना गया है। यानी कि ये तीनों अनुबंध या सामाजिक अनुबंध के विचार का त्रिमूर्ति कहलाते हैं, थॉमस हॉब्स, ठीक है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो।
तो प्रथम अनुबंधवादी मैंने पहली बार सामाजिक अनुबंध की व्याख्या करने वाला थॉमस हॉब्स है, क्योंकि सभी अनुबंधवादी ये मानते हैं, चाहे वो हॉब्स हो, जॉन लॉक हो या रूसो हो, ये सभी मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति अनुबंध या सामाजिक अनुबंध का नतीजा है। ये प्रभु सत्ता यानी कि संप्रभुता सॉवरेंटी को भी सामाजिक अनुबंध के साथ जोड़कर देखते हैं। तीनों में एक कंपेरेटिव एनालिसिस हम लोग पहले कर लें कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो हमने कल भी बताया था हॉब्स का जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, यानी ये बोलेगा कि राज्य का आधार बल है। यानी कि हॉब्स ने माना कि राज्य का आधार क्या है, बल है। इसका प्रभुसत्ता कैसा है, हमने कल चर्चा की थी, इसका प्रभुसत्ता पूर्ण सत्तावादी है। यानी कि ऐसा प्रभुसत्ता है जो न किसी को दिया जा सकता है, न इसका ट्रांसफर पॉसिबल है, ये एब्सोल्यूट है, पूर्ण है, ये कानून से परे है। जब हम जॉन लॉक के अनुबंध की बात करते हैं तो ये अनुबंध जो है वो सहमति पर आधारित है, सहमति पर आधारित प्रभु सत्ता की बात करता है जॉन लॉक, ठीक है। और ये राज्य को एक ट्रस्ट के रूप में देखता है, आगे चर्चा होगी इस पर ना, एक ट्रस्ट के रूप में देखता है राज्य को, ठीक है। और ये राज्य को बल के आधार पर देखता है। रूसो का जो अनुबंध है, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है, ये कैसा डिफरेंस है, ये लोकप्रिय प्रभु सत्ता, ये लोकप्रिय प्रभु सत्ता की बात करता है। यानी कि वो राज्य के आधार पर लोकप्रिय प्रभु सत्ता की बात करते हुए ये सामान्य इच्छा की बात करता है, जनरल विल, सामान्य इच्छा पर बल देता है। यानी कि अगर हम कहें कि रूसों के लिए प्रभु सत्ता कहां निहित है, तो सामान्य इच्छा में निहित है। लॉक के लिए प्रभु सत्ता जन समुदाय के पास है, ठीक है। और हॉब्स के लिए जो प्रभु सत्ता है वो निरंकुश प्रभु सत्ता धारी के पास है। वह एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। तो सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का एक ब्रीफ अगर देखा जाए तो इस तरह हम लोग देखते हैं थॉमस हॉब्स को, जॉन लॉक को और रूसो को, ठीक है। अब हम लोग पार्टिकुलरली स्टार्ट करते हैं कि थॉमस हॉब्स का सामाजिक अनुबंध का संबंध में महत्वपूर्ण विचार क्या थे। एक एक करके महत्वपूर्ण विचारों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत। क्योंकि ये चीजें जब आप राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत, हमने स्टार्ट में पढ़ाया भी है पॉलिटिकल थ्योरी में, प्रभु सत्ता का सिद्धांत, राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत, वहां पर भी इन चीजों पर डिटेल चर्चा हुई है। अब उन्हीं चीजों पर उससे अधिक डिटेल हम लोग चर्चा कर रहे हैं जब पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स ने एक प्रथम अनुबंधवादी होने के नाते अनुबंध को सामाजिक अनुबंध के साथ कैसे जोड़ा, और सामाजिक अनुबंध किस आधार पर तय होगा, और सामाजिक अनुबंध किन किन पक्षों के बीच होगी, कैसे प्रभु सत्ता बीच में समझौता करने आएगा, कैसे प्रभु सत्ता उस समझौते का अंग नहीं होगा, और उसके बाद सारी शक्तियां लोग या अपने ऊपर शासन करने का अधिकार जो व्यक्तियों के पास स्वयं था प्राकृतिक दशा में, कैसे लोग एक शर्त के आधार पर अपनी सारी शक्तियां प्रभु सत्ता को सौंप देंगे, और वह प्रभु सत्ता पूर्ण निरंकुश अदय अहस्तांतरणीय हो जाएगा। इन तमाम चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग थॉमस हॉब्स की प्रभुसत्ता के, या थॉमस हॉब्स के सामाजिक
समझौते का सिद्धांत का आधार। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। हॉब्स के सामाजिक अनुबंध का विचार, अनुबंध का विचार, ठीक है, ये हो गया थॉमस हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के विचार। डिस्कस क्या करना है आज हम लोग देखेंगे कि इसका प्रमुख आधार क्या है, प्रमुख आधार क्या है, प्रमुख आधारों पर चर्चा करेंगे। एक बात तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया, वहां लिख भी सकते हैं हम लोग कि हॉब्स कौन है। हॉब्स प्रथम अनुबंधवादी है, पहली बात तो यह तय हो गया कि हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से जुड़े सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत देने वाला पहला व्यक्ति है। ठीक है, दूसरा है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में, अब क्या बोल रहा है देखिए हॉब्स, कहता है कि प्राकृतिक दशा में, हमने कल ही बताया था कि प्राकृतिक दशा वह दशा है जहां पर अनुबंध नहीं हुआ है और राज्य अस्तित्व में नहीं आया है। अनुबंध और राज्य के अस्तित्व में आने से पहले वाली स्थिति जहां लोग रह रहे हैं वह प्राकृतिक दशा है। वास्तव में प्राकृतिक दशा थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो के लिए एक काल्पनिक दशा थी जिसके आधार पर राज्य की उत्पत्ति समझौते के परिणाम के रूप में सामने आया है। इसे हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये कहता है कि प्राकृतिक दशा में किसी के लिए कुछ निश्चित नहीं था, किसी के लिए कुछ निश्चित नहीं था। अब देखिए कैसे धीरे धीरे हॉब्स ये समझाने का प्रयास करेगा कि प्राकृतिक दशा में रहने वाले लोग सभी अपने अपने लिए स्वामी थे, कोई किसी का स्वामी नहीं था, सभी डरते भी थे डराते भी थे। वहां प्राकृतिक कानून तो था, तर्क बुद्धि जैसी चीजें थी, लेकिन उसको मान्यता देने वाला कोई नहीं था। यानी कहता है कि प्राकृतिक दशा में किसी के लिए कुछ निश्चित नहीं था, सभी अपनी मर्जी के मालिक थे। ठीक है, सभी अपनी मर्जी के मालिक थे। वो कहता है कि इस दशा में, तीसरा नंबर वो कह रहा है कि इस दशा मतलब प्राकृतिक दशा में, इस दशा में न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण जैसी कोई चीज नहीं थी। यानी कि प्राकृतिक दशा, अनुबंध से पहले जिस प्राकृतिक दशा में लोग रह रहे थे वहां क्या न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण है, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, सभी अपने मर्जी के मालिक थे। तीसरी बात कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का, चौथा वो कहता है कि प्राकृतिक दशा में, ठीक है, प्राकृतिक दशा में प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक वस्तु पर अधिकार था, प्रत्येक वस्तु पर अधिकार था। यानी कि हॉब्स के समझाना चाहता है कि अनुबंध से पहले इतनी भयानक स्थिति थी,
प्राकृतिक दशा में कि वहां न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण जैसी कोई बातें नहीं थी, इन चीजों से किसी का कोई मतलब नहीं था। यहां तक कि प्रत्येक वस्तु पर सबका एक समान अधिकार था, ठीक है, किसी वस्तु पर सभी अपना दावा पेश करते थे, ठीक है। वो आगे कहता है, लेकिन सामाजिक या कानूनी मान्यता के अभाव में, वो कहता है इसी में, लेकिन सामाजिक और कानूनी मान्यता के अभाव में, ये सारे अधिकार निरर्थक थे, ये सारे अधिकार क्या थे, बेकार थे। प्रत्येक वस्तु पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार तो था, लेकिन कोई सामाजिक या कानूनी मान्यता नहीं थी, जिसके कारण ये अधिकार व्यर्थ थे, निरर्थक थे, इसका कोई मतलब नहीं था। यह स्थिति ठीक उसी प्रकार की थी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिस पर अधिकार कर ले वो उसका हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हॉब्स का जो प्राकृतिक दशा जिसकी लाठी उसकी भैंस के समान थी, आप देखेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक दर्शन में इस तरह की चीजें मिलती है। जैसा कि कौटिल्य ने राज्य या राजा के उत्पत्ति से पहले मत्स्य न्याय की बात कहा है, अराजकता की बात कही गई है। ये चीज महाभारत के शांति पर्व में, शुक्र नीति सार में और मनु के मानव धर्म शास्त्र में भी ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। इशारा तो वहां से हो रहा था। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं, इतना कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के विचारों के अंतर्गत हम लोगों ने चार पॉइंट यहां पर देखा है, ठीक है। पांचवें पॉइंट पर हम लोग आते हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पांचवा पॉइंट है प्राकृतिक दशा में प्रत्येक मनुष्य, अगर पॉलिटिकल साइंस के आप नए नए कैंडिडेट हैं तो ये जरूर सोचते होंगे कि सर बता रहे हैं हॉब्स के सामाजिक अनुबंध का विचार और बार बार प्राकृतिक दशा पर ही लिख रहे हैं और प्राकृतिक दशा पर ही बात कर रहे हैं, तो यहां पर समझने वाली बात क्या है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि प्राकृतिक दशा को छोड़कर ही लोग समझौता करेंगे और समझौता करने के बाद अपनी शक्तियां पूर्ण प्रभु सत्ताधारी शासक को सौंपेंगे, तो प्राकृतिक दशा से कैसे हम अनुबंध या समझौते की ओर जाएंगे, इसको हॉब्स अपने तरीके से समझाने का प्रयास करेगा। वही चीजें यहां पर हो रही है, ठीक है। अब देखिए वो क्या बोलता है कि इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि प्राकृतिक दशा में प्रत्येक व्यक्ति अपनी मृत्यु के डर से, प्रत्येक मनुष्य अपनी मृत्यु के डर से, त्रस्त रहता है। यानी कि इस प्राकृतिक दशा में स्थिति ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मृत्यु के डर से भयभीत रहता है, क्योंकि सब एक समान है प्राकृतिक क्षमता में। कौन किसको लूट लेगा, कौन किसको मार देगा, ये भय से त्रस्त रहता है प्राकृतिक दशा में लोग। ऐसी स्थिति में जैमिति की तरह
स्वयं सिद्ध की तरह जीवन रक्षा की कामना एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में प्रकट होता है। यानी कि यहां पर फिर देखिए कैसे घुमाता है हॉब्स। हॉब्स कहता है कि जैमिति के स्वयं सिद्ध सिद्धांत, जिस तरह ज्योमेट्री में होता है सिद्धांत, ज्यामिति के स्वयं सिद्ध सिद्धांत यहां लागू होता है। यानी कि चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है, होता है। और क्या होता है कि इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए, यानी कि प्राकृतिक दशा में जो भय वाली स्थिति है उससे बाहर निकालने के लिए, यानी कि जीवन की रक्षा की कामना के लिए, जीवन की रक्षा हेतु, कामना के लिए प्राकृतिक कानून प्रकट होता है। अब ये अचानक प्रकट हो गया। हॉब्स ने ये नहीं बताया कि कैसे प्रकट हुआ है। हॉब्स ने बताया कि जिस तरह ज्योमेट्री में उसके प्रिंसिपल क्या होता है, स्वयं सिद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक दशा में अपनी मौत से भयभीत व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए प्राकृतिक कानून प्रकट हो जाता है। ठीक है, इसको प्राकृतिक अधिकार के तौर पर देखता है। अच्छा होगा हम लोग इसको प्राकृतिक अधिकार लिख दें। प्राकृतिक कानून हम लोग अगले समझाएंगे आगे। प्राकृतिक अधिकार प्रकट होता है जो व्यक्ति के जीवन की रक्षा की कामना करने के लिए प्रकट होता है। ठीक है, मनुष्य की तर्क बुद्धि, ये भी हॉब्स आगे कहता है ना, लिख देते हैं 6 नंबर। हॉब्स कह रहा है कि मनुष्य की तर्क बुद्धि जो उसका अपना तर्क बुद्धि है, मनुष्य की तर्क बुद्धि उसे आत्मरक्षा का मार्ग प्रदर्शित करती है या प्रदर्शित करता है ना, करती है। इसी समय प्राकृतिक दशा में यह बात, जब प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकार आता है ताकि व्यक्ति के जीवन की रक्षा के कामना पूरा किया जा सके, फिर हॉब्स आगे कहता है कि मनुष्य की जो तर्क बुद्धि है, ठीक है, वो आत्म रक्षा के लिए लोगों का मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है। ठीक है, असल में तर्क बुद्धि के निर्देशों को, ठीक है, अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में तर्क बुद्धि के निर्देशों को हॉब्स यहां पे आता है ना, प्राकृतिक कानून कहता है या नाम देता है, बात एक ही है। ठीक है, यहां पर एक चीज और आ गया कि हॉब्स प्राकृतिक कानून कहता है। किसको कहता है? तर्क बुद्धि के निर्देशों को, क्योंकि तर्क बुद्धि ही व्यक्ति को आत्मरक्षा का मार्ग दिखाता है। उन तर्क बुद्धि के निर्देशों को हॉब्स प्राकृतिक कानून की संज्ञा देता है, ठीक है, यह प्राकृतिक कानून आत्मरक्षा के नियमों का नियमन या निर्माण करता है। तो आप लिख सकते हैं, 8 नंबर में आते हैं हम लोग। 8 नंबर में हॉब्स सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के अंतर्गत वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं।
आत्मरक्षा, तर्क बुद्धि, प्राकृतिक कानून। वो आगे कहते हैं कि यही प्राकृतिक कानून आत्मरक्षा के नियमों, आत्मरक्षा के नियमों का आधार होता है। यहां पर आप देखेंगे होता है कि हॉब्स ने अपने प्राकृतिक दशा से अनुबंध की ओर जाने के बारे में जो अपने विचार दे रहा है वो कैसा है कि पहले तो है प्राकृतिक दशा जहां पर व्यक्ति जंगली जीवन व्यतीत कर रहा है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति है। प्राकृतिक दशा के बाद हम देखते हैं कि एक चीज हमें दिखाई देता है, प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के जीवन की आत्मरक्षा का मार्ग प्रदर्शित करता है। इसके बाद आता है तर्क बुद्धि क्या है? ये तर्क बुद्धि प्राकृतिक अधिकारों के दिशा निर्देश देता है, और तर्क बुद्धि के जो निर्देश हैं वो अंत में क्या आएगा? प्राकृतिक कानून के तौर पर ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है ना। प्राकृतिक दशा, प्राकृतिक अधिकार, तर्क बुद्धि और प्राकृतिक कानून, यानी कि प्राकृतिक दशा को समझाने के लिए हॉब्स धीरे 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 इस तरफ चल रहा था। हम ऐसा लिख सकते ना है कि हॉब्स के लिए प्राकृतिक दशा से अनुबंध की ओर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध की ओर, अगर हम इसको समझना चाहें कि हॉब्स ने प्राकृतिक दशा से अनुबंध की ओर जाने को किस डायरेक्शन में मोड़ा है, तो ऐसे करके मोड़ा है, ठीक है, दिखाने का प्रयास किया है। और हमने एक पॉइंट लिखा, यही प्राकृतिक कानून आत्मरक्षा के नियमों का आधार बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे 9 नंबर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। 9 नंबर पॉइंट क्या है? सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के अंतर्गत थॉमस हॉब्स का यह देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हॉब्स के प्राकृतिक कानून मनुष्यों को केवल उसकी प्रकृति के आधार पर आपस में बांधता है, ये याद रखिएगा। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक कानून मनुष्यों को केवल उसकी प्रकृति के आधार पर एक दूसरे से बांधता है या जोड़ता है, या हमें इसलिए बांधता है क्योंकि हम उसे मान्यता देते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जब हम हॉब्स के प्राकृतिक समझौते के सिद्धांत का विश्लेषण कर रहे होते हैं। तो हॉब्स का प्राकृतिक कानून, ये लिखिए 9 नंबर में, हॉब्स का प्राकृतिक कानून, हॉब्स का प्राकृतिक कानून मनुष्यों को केवल उसकी प्रकृति के आधार पर, केवल उसकी प्रकृति के आधार पर बांधता है, ठीक है।
अब क्या है हॉब्स का प्राकृतिक कानून मनुष्यों को केवल उसकी प्रकृति के आधार पर बांधता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है, लिखते हैं कि इसका कारण है कि हम प्राकृतिक कानून को मान्यता देते हैं, हम प्राकृतिक कानून को मान्यता देते हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक कानून को मान्यता देते हैं इसलिए प्राकृतिक कानून हमें अपनी प्रकृति के आधार पर हमें बांधता है जब हम प्राकृतिक दशा में रह रहे होते हैं। चूंकि हॉब्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थक था इसलिए उन्होंने प्राकृतिक तत्वों पर जोर दिया, कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक क्षमता में एक समान है प्राकृतिक दशा में, लेकिन प्राकृतिक कानून उन क्षमताओं के आधार पर लोगों को बांधता है। यहां पर हॉब्स एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है और ऐसी कोई भी बात नहीं कहता जो अलौकिक या ईश्वरीय हो, जैसा कि राज्य की उत्पत्ति से जुड़े जो डिवाइन थ्योरी है, राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है, वहां पर इस तरह की बातें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन अनुबंध के सिद्धांत में हॉब्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है और प्राकृतिक तत्वों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह इस बात को नहीं मानता कि ये चीजें ईश्वर या कोई दैवी शक्ति का परिणाम है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, डिस्कस अभी जारी रहेगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ओम 10 नंबर में लिख देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कि चूंकि हॉब्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, अतः वह प्राकृतिक तत्वों पर बल देता है, अतः वह प्राकृतिक तत्वों यानी कि विज्ञान तत्वों पर बल देता है, न कि अलौकिक यानी कि ईश्वरीय अलौकिक शक्तियों पर। आप समझ सकते हैं कि प्रथम सामाजिक अनुबंध के प्रवर्तक के तौर पर हॉब्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के कारण प्राकृतिक तत्वों पर ज्यादा बल देता है, वह अलौकिक शक्तियों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता। जब प्राकृतिक कानून मनुष्यों को प्राकृतिक दशा के त्याग की प्रेरणा देता है तब क्या होगा, इसके लिए अनुकूल स्थितियां जरूरी हो जाती है। जब मान लिया जाए कि प्राकृतिक दशा में लोग त्रस्त हैं एक दूसरे से, डर से, भय से, यहां पर तो कोई किसी की हत्या कर दे तो कुछ नहीं होगा, ऐसी भयानक स्थिति है प्राकृतिक दशा हॉब्स के लिए, तो वहां पर फिर हॉब्स कहता है कि जब प्राकृतिक कानून मनुष्यों की प्राकृतिक दशा के त्याग करने के लिए प्रेरणा देता है तब इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां जरूरी हो जाती हैं। अब देखिए धीरे धीरे हॉब्स प्राकृतिक दशा से अपने विचारों के सहारे कैसे चीजों को कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध की ओर ले जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको लिखना चाहेंगे, ठीक है। जब प्राकृतिक कानून लिख सकते हैं, इसी में जोड़ देते हैं, जब
प्राकृतिक कानून प्राकृतिक दशा के त्याग की प्रेरणा देता है तब अनुकूल स्थिति जरूरी हो जाता है। अब मान लीजिए कि प्राकृतिक दशा में जो त्रस्त लोग हैं, भयभीत जो लोग हैं, ठीक है, उनको प्राकृतिक दशा से निकलने के लिए प्राकृतिक कानून उनको मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है, तो उस प्रेरणा के अनुकूल परिस्थितियां सिचुएशन होना जरूरी हो जाता है। अब देखिए हॉब्स धीरे धीरे कैसे लोगों को प्राकृतिक दशा से निकालकर अनुबंध की ओर ले जाएगा और कैसे अनुबंध के परिणाम तो स्वरूप क्या होगा कि पूर्ण प्रभु सत्ताधारी का जन्म होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। हो गया, अरे नंबर कितना था भूल गए हम, 10 ना, 11 नंबर होगा। एप्लीकेशन में इतने सारे एडमिशन लेकिन आप जुड़ते नहीं है क्लास में, देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, आगे हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि यदि सभी मनुष्य अपने असीम अधिकार को छोड़कर अपने अपने अधिकार सीमित करने के लिए आपस में समझौता कर ले, फिर भी अपने आप में ये तो काफी नहीं होगा, क्योंकि इस समझौते को लागू कराने वाले किसी शक्ति की आवश्यकता होगी। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक कानून व्यक्ति को अगर प्राकृतिक दशा का त्याग करने के लिए राजी भी कर ले तो उनके बीच समझौता कराने के लिए एक शक्ति का होना आवश्यक होगा। ठीक है, इससे राज्य या कॉमनवेल्थ के निर्माण की जरूरत पड़ती है। ये तीसरी शक्ति कौन है, ये तीसरी शक्ति प्रभु सत्ता है। यही इच्छा सभी के आदेश के पालन हेतु विवश करता है। इसी काम को संभालने के लिए प्रभु सत्ता अस्तित्व में आता है। लेकिन हॉब्स बड़ी चतुराई से यह समझाने का प्रयास करता है कि चूंकि प्रभु सत्ता समझौते कराने के लिए आता है, इसलिए वह समझौते का अंग नहीं होता, इसलिए समझौते की शर्तें प्रभु सत्ता पर लागू नहीं होती। तीन चीजों पर, यानी कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत पर एक क्लास इसके बाद कंटिन्यू होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि समझौते की क्या शर्तें होती है और कैसे लोग समझौते के लिए तैयार होते हैं, और लास्ट में हम लोग एक दृष्टिकोण ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि हॉब्स ने जिस सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत पर बात किया है उसका मूल आधार क्या है। ठीक है, इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।